पागल का मत करो। नैनीताल में जो आज हमने एक्सपीरियंस किया है वो हमने कहीं पे भी एक्सपीरियंस नहीं किया, नॉट इवन इन मनाली। कोई यूपीआई पेमेंट लेने को तैयार नहीं है यार, सब कह रहे हैं कि हमें कैश दो। टूरिस्ट से कैश मांग रहे हो और देन यू आर ब्लैकमेलिंग देम कि बॉस कैश नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोग एज अ टूरिस्ट नैनीताल आ रहे हो तो बॉस ये पॉइंट दिमाग में रख के जरूर आना, पैसे लेके आओ, जेब में पैसे रख के आओ, नहीं तो यहाँ पे आप लोग यूपीआई से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। हम बोटिंग नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे यूपीआई नहीं है और हमारे पास कैश नहीं है, सो ऑब्वियसली बात है बोटिंग इज कैंसल्ड। बताओ पेटीएम से, पेटीएम करूंगा मैं, बोटिंग कराओगे? कैश नहीं दूंगा। हाँ गूगल पे से पेमेंट होगी, कैश से नहीं होगी। उल्लासनगर के मॉडल, अबे वो उल्लासनगर के सस्ते मॉडल। हैप्पी बर्थडे टू यू। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू व्लॉग 2। आज बर्थडे है तो सबसे पहले मुझे बर्थडे विश करो आप लोग, क्योंकि ये व्लॉग 2 जो है मैं अपना बर्थडे पे मना रहा हूँ। अपने बर्थडे पे ट्रैवल करने निकले हैं एंड बहुत ही स्पेशल दोस्तों के साथ निकले हैं। व्लॉग 1 में आपने देखा होगा रात में बर्थडे की क्या मस्ती करी हम लोगों ने। अब बस जल्दी से नाश्ता करते हैं। नाश्ता ऑलरेडी हम लोगों ने शुरू कर दिया, ये ऑलरेडी हम लोगों का नाश्ता लग चुका है, सतीश इज ऑलरेडी हैविंग। और अब जल्दी से नाश्ता शुरू करते हैं एंड नाश्ता शुरू करके उसके बाद सीधा निकलते हैं अल्मोड़ा, बट वाया कैंची धाम। कैंची धाम मंदिर जाएंगे एंड मंदिर में जाके थोड़ा सा आशीर्वाद लेंगे, आशीर्वाद लेके फिर आगे बढ़ेंगे अल्मोड़ा की तरफ। जो जो नज़ारे आएंगे, जहां जहां हम रुकेंगे, क्या क्या हम करेंगे, वो सब आपको दिखाएंगे, सब आपको बताएंगे, तो बने रहना, हो सकता है कुछ एक्साइटेड देखने को मिल जाए। यू नेवर नो बॉस। देखो हम लोगों का नाश्ता पानी हो गया, अब निकलने का टाइम है, चेकआउट करने का टाइम है, सो चलो लेट्स गो एंड लेट्स चेक आउट। चलो गाइस, तो जॉइन करते 3-4 महीने में सतीश चल थी जो ऑस्कर ने चल ना करके कैंसिल किया था। अच्छा नाश्ता कर रहा है, चल सामान रखवाता हूँ मैं गाड़ी में। सो गाइस थोड़ा सा लेट हो गया, चले सामान रखते हैं, आ जाओ आ जाओ। मैंने आपको भेज दी आईडीज दीप को, हाँ तो सामान रखवाते हैं उसके बाद फिर तुरंत निकलते हैं यहां से। अरे पारस बाबू सामान रखवाते हैं उसके तुरंत यहां से निकलते हैं, पहले चलेंगे कैंची धाम, वहां पे आज आशीर्वाद लेंगे बर्थडे का, उसके बाद यहां से निकलेंगे अल्मोड़ा। आंखें नहीं खुल रही हैं, रुको गॉगल्स पहन के बात करते हैं। सो ये है पाइन वुड जहाँ पे हम लोग आज रुके, कल रात को इनफैक्ट रुके थे। ये पूरा एरिया जो है तो गुड प्रॉपर्टी, वन रूम सेट विद अच्छी एमिनिटीज जो आपने व्लॉग 1 में देखा था। और ये पूरा व्यू है यहाँ से, जूम करके देख लो ये। सो दिस इज इट। फिलहाल नैनीताल में भी इतनी ठंड नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, दिन में धूप निकली हुई है, बर्फ अभी तक गिरी नहीं है, बट दिस इज हाउ इट इज गाइज, यही है क्लाइमेट चेंज, क्या होगा कुछ पता नहीं, बट जो भी है फिलहाल हमारा स्टे यहाँ पे अच्छा था एंड दीज गाइज ऑल्सो हेल्प्ड अस अ लॉट। सो बहुत अच्छा था, मज़ेदार एकदम। अब निकलते हैं यहाँ से एंड चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन अल्मोड़ा पे। ओके जी थैंक यू, बहुत अच्छा स्टे था हमारा, थैंक यू सो मच। आपका रूम हम लोगों ने बहुत गंदा कर दिया है, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, बट क्या करें, बर्थडे था, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड, टेक केयर। So guys, now it's time to leave finally. क्या कर रहे हो रे तुम लोग? शर्मा जी finally आप कितने साल के हो रहे हो पता नहीं, जिंदगी में एक साल आपका बढ़ गया। 42 baby 42. Happy birthday. ये आगे रख ले आगे। हाँ नहीं आगे रख ले सतीश, इसको आगे रख ले, जगह नहीं है पीछे।
सो फाइनली गाइज निकलने का टाइम हो रहा है, यहाँ से चलेंगे कैंची धाम, भीम करोली बाबा का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद वहां से निकलेंगे अल्मोड़ा। रास्ते में क्या क्या होगा आगे आप देखोगे, मुझे भी नहीं पता, तो बने रहो ब्लॉग के अंदर, देखते हैं आगे और क्या क्या है। पान मसाला वालों ने ना वाट लगा रखी, इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, शिखर पान मसाला, दूर से लग रहा था कि कोई बोर्ड लगाया कि नैनीताल स्ट्रेट जाना है, अल्मोड़ा स्ट्रेट जाना है। ब्लडी हेल, यूपीआई क्यों नहीं चलाते आप लोग? रीजन क्या है यूपीआई ना चलाने का है अंकल जी? रीजन क्या है यूपीआई ना चलाने का? बट रीजन क्या है वो तो बताओ ना, कैश के अलावा कोई ऑप्शन क्यों नहीं है भाई, पूछ रहा हूँ। ये सब प्राइवेट होता है ना, तो प्राइवेट होता है, प्राइवेट वालों को तो यूपीआई और रखते हैं वो लोग, फिर सरकार ने बोला हुआ है यूपीआई रखने के लिए, उधर के बोर्ड वालों को उनका सब कुछ सेम होता है। सो नैनीताल में ना बोटिंग करने आए थे हम लोग लेक पे, गाड़ी पार्किंग पे लगाई, वहाँ पे यूपीआई नहीं, बोटिंग करने जाओ टिकट लेने वहाँ पे यूपीआई नहीं, मतलब कैश का ठंडा बना रखा है यार, मतलब जो लोग कैश कैरी नहीं करते वो लोग नैनीताल में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सबको कैश ही देना है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अथॉरिटीज़ इस चीज़ को नोट करें, क्योंकि ये इन्होंने एक गोरख धंधा बना लिया है, ब्लैकमेल किया हुआ है कि सिर्फ कैश पर ही सारा बिजनेस होगा, यूपीआई पे बिजनेस नहीं होगा, ये बहुत ही गलत बात है। मतलब किसी के पास कैश नहीं हो तो वो भाई साहब बोटिंग एंजॉय नहीं कर सकता, आपके पास कैश होगा तभी आप टिकट ले पाएंगे, ये लोग यूपीआई इनके पास होगा लेकिन ये देंगे नहीं, साहब बोलेंगे कैश का धंधा है प्राइवेट, प्राइवेट वाले तो और भी कहते हैं कि भाई हमारे पास यूपीआई नहीं है, विच इज़ वेरी रॉन्ग यार। अब हम बोटिंग नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे यूपीआई नहीं है और हमारे पास कैश नहीं है, सो ऑब्वियसली बात है बोटिंग इज कैंसल्ड। अब जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ, मैंने सोचा सतीश और थॉमस को थोड़ा मॉल रोड दिखा दें, कुछ फोटोग्राफी कर लेते हैं, उसके बाद फिर वहां से निकलेंगे सीधा कैंची धाम, आशीर्वाद लेंगे और फिर सीधा चलेंगे अल्मोड़ा। और पेटीएम से पेटीएम करूंगा मैं, बोटिंग कराओगे? कैश नहीं दूंगा, हाँ गूगल पे से पेमेंट होगी, कैश से नहीं होगी, या पेटीएम से पेमेंट होगी, कैश से नहीं होगी। बोटिंग कराओगे तो मैं कर दूंगा, कैश नहीं है मेरे पास, पर्ची काटनी पड़ेगी ना वहाँ। हाँ तो पर्ची काटने के लिए तो यूपीआई चाहिए ना, हाँ तो फिर व्हाट आर यू थिंकिंग फादर थॉमस? हैं वो बेचारा कैमरा में देख रहा है कि मुझे क्यों नहीं कवर कर रहे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्माइल तो कर दो, इतने गुस्से में क्यों? अभी तो टूरिस्ट भी कम होगा ना, अभी तो नॉर्मल है क्योंकि बर्फ वर्फ नहीं पड़ी है और वो सब ना, हाँ इस बार तो लग भी नहीं रहा कि बर्फ पड़ेगी, अगले महीने बस, अगले महीने भी नहीं लग रहा है, सूखी ठंड पड़ सूखी ठंड पड़ रही है। हाँ बस Thomas, take this gift of Nainital. What have you taken, Father Thomas? Taken candles. For whom? Candle wa for my darling. Come on. Hey, model. Ullas Nagar ke model. जाके ले लेना अगर अच्छा लग रहा है। रुकना मैं अपना फोटो दे दूँ। पहले उसको पूछ तो ले कि कार्ड पे ले देगा नहीं देगा। अबे ओ उल्लासनगर के सस्ते मॉडल है उल्लासनगर के पिक्चर। और ये चाय का आनंद हम लेते हुए भोटिया मार्केट के अंदर। चीयर्स ब्रो। चीयर्स बेबी। चीयर्स 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 चीयर्स। अब ये देखो आप नैनीताल की हालत, जनवरी एंड में हैं हम लोग, 25 जनवरी है आज, 25 जनवरी है आज और हम जनवरी एंड में हैं, और ये पहाड़ देखो सब सूखे पड़े हुए हैं यार। इस टाइम तक एक टाइम पे पूरी बर्फ से ये पहाड़ जम जाता था, पूरी बर्फ से भर जाता था, बट आज इस साल इस सीजन में एक बार भी स्नोफॉल यहाँ पे नहीं हुई है यार। दिस इज़ वेरी वेरी सैड, बहुत बुरा हाल है। मेरे को तो लग रहा है गर्मियों में पानी की बहुत प्रॉब्लम होने वाली पहाड़ों पर,
तो गाइज अगर आप लोग गर्मियों में पहाड़ों पे आने का प्लान कर रहे हो तो मेरे हिसाब से अपने प्लान को वापस रिविजिट कर लेना, क्योंकि मुश्किलें बहुत होने वाली हैं यहाँ पे। सो भाई देखो, मैंने अभी आपको पहाड़ के दर्शन कराए नैनीताल के, जो एकदम वीरान पड़े हैं, कोई बर्फबारी नहीं हो रखी, नो स्नोफॉल एट ऑल, बट गर्मी बहुत है यहाँ पे इस टाइम पे एंड धूप बहुत तेज निकली हुई है। सर्दियों में धूप अच्छी लगती है पहाड़ों पे। सो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं, मॉल रोड देख लिया, कुछ कैंडल्स खरीद ली, भोटिया मार्केट भी होके आ गए, चाय भी पी ली, अब यहाँ से चलते हैं कैंची धाम। आज बर्थडे के लिए आशीर्वाद लेंगे नीम करोरी बाबा का एंड उसके बाद वहां से आपको लेके चलेंगे अल्मोड़ा कासर देवी। कासर देवी में एक रिजॉर्ट है, वहां पे रुकेंगे, विच बिलोंग्स टू माई फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज अजय शाह। जल्दी चलते हैं, जल्दी मिलाते हैं, फिलहाल बाबा के दर्शन करेंगे कैंची धाम जाके। बट यार एक चीज बहुत अजीब है नैनीताल में, मुझे नहीं पता कि सारे उत्तराखंड के हिल स्टेशन पर है, बट नैनीताल में जो आज हमने एक्सपीरियंस किया है वो हमने कहीं पे भी एक्सपीरियंस नहीं किया, नॉट इवन इन मनाली। यहाँ पे कोई यूपीआई पेमेंट लेने को तैयार नहीं है यार, सब कह रहे हैं कि हमें कैश दो यार, मतलब UPI और उनके पास यूपीआई होगा बट वो लोग लेना नहीं चाहते। मैन दिस इज बैड, ये तो मतलब आज के डिजिटल जमाने के अंदर आप टूरिस्ट से कैश मांग रहे हो और देन यू आर ब्लैकमेलिंग देम कि बॉस कैश नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोग एज अ टूरिस्ट नैनीताल आ रहे हो तो बॉस ये पॉइंट दिमाग में रख के जरूर आना, अपनी जेब में अच्छा खासा कैश विद सम चेंज, ये नहीं कि 500-500 के नोट ले आओ, इनके पास चेंज भी नहीं मिलेगा, पैसे लेके आओ, जेब में पैसे रख के आओ, नहीं तो यहाँ पे आप लोग यूपीआई से पेमेंट नहीं कर पाएंगे, स्पेशली इन पार्किंग एंड फॉर बोटिंग। हो सकता है कुछ शॉप्स में शॉपिंग करते हुए शायद आपको यूपीआई मिल जाए, बट वहां पे भी वो लोग कैश ही प्रेफर करते हैं, बट अगर आप उनकी सामान, आप उनकी शॉप से कोई सामान लेते हैं तो हो सकता है शायद वो यूपीआई दे दें, बट बोटिंग पार्किंग एंड इन भोटिया मार्केट नो यूपीआई, ओनली कैश, याद रखना, दिस इज वेरी वेरी सैड। ये चीज अथॉरिटीज को नोट करनी चाहिए एंड अथॉरिटीज को ना ये चीज बोलना चाहिए शॉप ओनर्स को एंड एसोसिएशन को एंड यूनियन को दैट दे शुड ऑल्सो एक्सेप्ट यूपीआईज। नैनीताल का ये ताल बिल्कुल नहीं जमा। यस, ये ताल जो है नैनीताल का ये हमें तो नहीं जमा, पता नहीं आपको जमेगा या नहीं जमेगा, ये ताल चेंज करना, ये ताल चेंज करना पड़ेगा। सो ताल से ताल मिला के अब निकलते हैं यहाँ से, जल्दी मिलते हैं आपको रोड पे, कैंची धाम लेके चलते हैं। फाइनली हमने भाई बाबा का आशीर्वाद ले लिया है बर्थडे के दिन, ये आशीर्वाद बहुत मायने रखता है, बहुत महत्व रखता है और फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं एंड अब यहाँ से निकल रहे हैं हम अल्मोड़ा के लिए, तो चलो लेके चलते हैं आपको अल्मोड़ा और यहाँ पे बाबा को फिर से एक बार प्रणाम कर देते हैं और जय कर देते हैं। मैंने कैमरा होल्ड किया है, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप लोग जरूर कर दीजिए। बेल्ट पहन ले भाई, टू टू करता रहेगा। सॉरी, धीरे धीरे, मैं तो धीरे ही हूँ। नहीं वो पागल का बात है, देख लिया तो उसको ऊपर से ही देख लिया। क्या कर रहे हैं, हट, हैंकी यूज किया अगर, नहीं सर्दी नहीं भाई साहब, चलते हैं। क्या किया इसने अभी, ऐसे करो, ऐसे नहीं किया, ऐसे किया, जैसे पिगूस करते हैं ना, ऐसे ऐसे किया, वही बोला करके। ये भी तो होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं हम लोग, कितने ठंडे हैं। वैसे इस ट्रिप में सतीश स्मार्ट लग रहा है भाई, थॉमस क्या बोलता है, वो तो मैं हूँ पैदाइशी स्मार्ट, पैदाइशी का पता नहीं बट अभी हो गया, चूतों को मेरे साथ रह रहे, समझा।
अच्छा हो गया, तेरा ज्यादा नहीं। अभी मेरा ही ब्रांड कॉपी करता है ये बीइंग ह्यूमन, मैं 2 साल पहन के छोड़ चुका हूँ, अब जाके तूने पहनना शुरू किया है। मतलब हद है यार, क्या यार, तेरे को खुश करने के लिए पहन लिया था बर्थडे, ओरिजिनल लेके तेरा बर्थडे था ना, तुझे बीइंग ह्यूमन ब्रांड पसंद है इसलिए वो पहन लिया मैं। बोले जान दे गरीब यार। सतीश कैसा रे सस्ता मॉडल उल्लासनगर का? उल्लासनगर नहीं रे, कल्याण। Now he's promoted to Kalyan. Yeah, yes, yes, yes. Born in Ullasnagar and brought up in Kalyan. यहाँ पे शादी वाला मन्नत नहीं मांगा जाता। तो कौन सा मन्नत मांगता है तू? बजरंग बली के पास ये नहीं बोला जाता। अरे ऐसा कुछ नहीं है, भगवान के पास आप घर आए हो, आपको जो मांगना है आप बिंदास मांग सकते हो, सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी वहाँ पे भी चलती है। भगवान से मांगना कुछ दिया बहुत नहीं, बहुत कुछ दिया है बट कुछ आपको चाहिए हो, कुछ हाँ भगवान से आप खुशी मांगो, प्यार मांगो, वो सब मिलेगा। मांग लिया खुशी और प्यार मांग। बस खुशी भगवान को दे दी, उस खुशी को बरकरार के लिए कुछ मांगी। हाँ ओके, दैट वेज देन आई होप एंड आई प्रे दैट इट हैपेंस। आऊंगा जरूर। सुन रहे हो आप लोग, इसने बोला ये वापस आएगा यहाँ पे, गवाह हो आप लोग, टाइमलाइन भी बता दे कभी आएगा वापस, देखते हैं अगर ये साल पूरा हो तो ये साल। वेरी गुड, सो गाइस गवाह हो आप लोग, मुझे लेके आऊंगा और एक और ट्रिप होने वाला हम लोग का यहाँ का, और वो ट्रिप पूरा मैं स्पॉन्सर करूंगा। ओह ये तो भाई साहब, ये गवाह, ये गवाही आप लोग दोगे, ये स्टेटमेंट, अगला ट्रिप जो है सतीश स्पॉन्सर करेगा हमारा। तो ये आप लोग सुन रहे हो, कल को अगर मैं अगले ट्रिप का कॉस्ट आप लोगों को बताऊंगा ना, तो पूछना मुझसे कि सतीश लांडे ने स्पॉन्सर किया कि नहीं, समझे ना। कमेंट में लिख देना कि इसने किया कि नहीं किया और खर्चा कितना। चलो भैया, रोड जर्नी टू अल्मोरा हैज बिगन। शो योर लव टू घुमक्कड़ सोल एंड अस। बर्थडे जल्दी से विश करो, जितनी ज्यादा ब्लेसिंग्स आएंगी उतना मुझे अच्छा लगेगा, उतने अच्छे व्लॉग्स भी आएंगे और उतनी अच्छी ट्रिप्स भी आएंगी। इस साल बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, इस साल आई होप सब कुछ उस प्लान के हिसाब से जाए, मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ इस साल, बने रहना घुमक्कड़ सोल के साथ। तो अल्मोड़ा तो पहुंच गए हैं, लेकिन अल्मोड़ा से भी हमने अभी आगे जाना है, हमने जाना है कासर देवी। सो वहीं पे होटल है जहाँ पे हम रुकेंगे। सो कासर देवी यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर और है, सो अनादर आधा घंटा हमें और लगेगा। हम लोग फिलहाल अल्मोड़ा मार्केट में है, कुछ सामान उठाना था हम लोगों को, केक वगैरह उठाना था आज के लिए, तो वो उठा के उसके बाद फिर हम वहाँ जाएंगे एंड वहाँ जाके आराम से रिलैक्स करेंगे। बस मैं प्रे कर रहा हूँ यार, 4:30 हो रहा है, मैं प्रे कर रहा हूँ कि जब तक हम वहाँ पहुँचे मुझे थोड़ा सा सनसेट कैप्चर करने को मिल जाए। बट पता है प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सारे पहाड़ों पे ना इन्होंने आग लगा के रखी हुई है, सूखी घास पे आग लगी हुई है, एंड इतना धुआं हो रखा है कि जो मेन जो पूरी हिमालय की जो रेंज दिखती है, स्नो कैप्ड माउंटेन्स एकदम बर्फ से भरे हुए पहाड़, वो हमें दिखेगा नहीं, आई थिंक सुबह भी नहीं दिखेगा क्योंकि इतनी ज्यादा स्मोक है, इतना ज्यादा हेज है। देखते हैं, लेट्स सी, बट व्हाटएवर जो भी होगा आपको आगे दिखेगा। बट फिलहाल के लिए अभी यहाँ से चलते हैं एंड केक उठाते हैं, एंड केक उठा के सीधा हम अपने होटल में चलते हैं, एंड आई जहाँ पे हो सकता है आप आगे जो है सनसेट का टाइम लैप्स भी देखोगे, जस्ट इन केस अगर आगे सनसेट का टाइम लैप्स नहीं मिलता तो मैं आपसे आगे मिलता हूँ एंड आपको बताता हूँ कि आज के सेलिब्रेशंस के हमारे क्या प्लान है। अरे मैं ले जाता हूँ, कोई बात नहीं, दो एक मेरे को दे दो, आप लोग आराम, आप लोग आराम से कर लो, कोई बात नहीं, इसमें डाल दे, इधर से डाल। अरे बाबा वो बहुत लगेगा आपको, मैं बता रहा हूँ, हो नहीं पाएगा, छोड़ दो, मैं ले जाता हूँ ना उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का है, मैं ले जाता हूँ, कोई बात नहीं, आ जाओ, बस 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 आ जाओ, वो ले लेंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा खोल लेता हूँ, हाँ चलो,
भाई फाइनली हम लोग अपने होटल में कसाड़ देवी में पहुंच गए हैं। हम लोग रुक रहे हैं मोक्षा रिट्रीट में और ये मेरे दोस्त मेरे कॉलेज के फ्रेंड को बिलोंग करता है ये होटल एंड हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। मैं अभी तो आपको कोई व्यू दिखा नहीं सकता क्योंकि अंधेरा हो गया है, बट कल सुबह कोशिश करूँगा आपको सनराइज़ दिखाने का एंड होपफुली अगर ये सारा धुआं और ये हेज जो है ये अगर क्लियर होगा तो मैं आपको माउंटेंस हिमालयस जो रेंज है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अंदर चलते हैं, चेक इन करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। दीज आर द रूम्स और ये देखो ये है पूरा का पूरा व्यू आगे, है ना ब्यूटीफुल। ये देखो फुल ऑन व्यू भाई, फुल ऑन। सोचो जब ये हेज नहीं होगी, जब ये फॉग नहीं होगा, जब ये धुआं नहीं होगा तो यहाँ कितना अच्छा लगेगा यार। दिस इज सो ब्यूटीफुल, लवली। चलो चेक इन करते हैं। भाई ये है असली जगह भाई साहब, क्या व्यू पॉइंट है ये। ओ हो ब्यूटीफुल, मजा आ गया। झगास, ये देखो एकदम झगास। बहुत सही, अच्छा, वेरी नाइस। बहुत अच्छी वाइब्स हैं यार, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। और ये जो व्यू है ना, ये देखो भाई साहब, लाइट भी जलेगी। ये जो व्यू है ना, दिस इज अमेजिंग व्यू भाई साहब, मजा आ गया। बस ये जो पीछे जो मेरे आप कोहरा देख रहे हो ना, ये बेसिकली धुआं है। यहाँ के पहाड़ों में ना इन्होंने आग लगाई हुई है सूखी घास के लिए, तो अगर ये कल सुबह धुआं छट जाएगा तो भाई सनराइज का व्यू बहुत प्यारा मिलने वाला है कल सुबह। मैन सीरियसली मैं वेट कर रहा हूँ। फिलहाल ठंड बहुत है। अब ये देखो किस तरह से ये हवा चल रही है इस टाइम पे, बहुत ठंडी हवा चल रही है इस टाइम पे, 4 या 5 डिग्री का टेम्परेचर है। ये देखो ये दूर जो आपको दिख रहा है ना, ये चांद आ रहा है, फुल मून नाइट होने वाली है आज। बट ये जितना भी आप हेज देख रहे हो ना, ये पूरा धुआं है पहाड़ का, जो बेसिकली यहाँ पे सूखी घास पे आग लगाई हुई थी। सो अगर ये धुआं छट जाएगा ना, तो पीछे का सारा हिमालय का दर्शन आपको होगा। ये पूरे इस वाली जो रेंज है, इसके एकदम पीछे जो है बर्फ वाली हिमालय की रेंज, वो पूरी दिखेगी यहाँ से। सो फिंगर्स क्रॉस गाइज, देखते हैं कल सुबह हमें सनराइज कैसा मिलता है एंड क्या हमें वो व्यू मिलता है सनराइज के साथ या नहीं मिलता। फिलहाल के लिए चलते हैं, रेस्ट करते हैं, आपसे शाम को बर्थडे सेलिब्रेशन करते हुए मिलूंगा, क्योंकि व्लॉग में अभी बने रहना, शाम का सेलिब्रेशन आने वाला है। हो सकता है हम शायद बॉनफायर करेंगे एंड थोड़ा म्यूजिक एंजॉय करेंगे। सो गाइज बी अ पार्ट ऑफ इट, आज घुमक्कड़ सोल का बर्थडे है, हैव फन। सो भाई फाइनली हम लोगों का बॉनफायर जो है ये शुरू हो चुका है एंड हम लोगों का सेशन भी शुरू हो चुका है। सो बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो एकदम फुल ऑन फुल स्विंग में शुरू हो चुका है गाइस। और ठंड बहुत है यार, बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंड बहुत है, बट इस बॉनफायर ने जो है ना हमें बचा लिया है। ये बॉनफायर भाई साहब कसम से कह रहा हूँ, रामबाण निकला है, मज़ा आ गया। अब ये बॉनफायर इन्जॉय करेंगे, थोड़ा सा अपना आराम से साथ में बैठेंगे, पुरानी बातें पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, हम क्या क्या करते थे वो करेंगे, लेकिन वो चीज़ें मैं आपको नहीं सुना सकता क्योंकि वो चीज़ें भाई साहब
बहुत ज्यादा सीक्रेट है. फिलहाल के लिए आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम राइट नाउ टू एंजॉय दिस पर्टिकुलर मोमेंट. बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत अच्छा जा रहा है, मेरा दिन बहुत अच्छा शुरू हुआ है. नीम करोली बाबा का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद, सब कुछ लेकर मैं सीधा कसार देवी आ चुका हूँ मोक्षा रिट्रीट में. एंड अब यहाँ पे हम बॉनफायर करेंगे एंड एंजॉय करेंगे. Are you serious? Mwah! Hi. Hi. Take it, daddy. तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. आई होप आप लोगों को मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन और ये बर्थडे ट्रिप अच्छी लगी हो. जी हाँ, अब टाइम आ गया है यहाँ से निकलने का. सो आज निकल रहे हैं, अब निकल रहे हैं, जस्ट चेकआउट कर रहे हैं. सो बस मेरा और आपका साथ इस ट्रिप का यहीं तक था. अब मैं आपसे वापसी में मिलूँगा किसी एक और ट्रिप पे, किसी एक और डेस्टिनेशन पे. आराम से मस्ती मारेंगे, एंजॉय करेंगे. बट फिलहाल के लिए ये व्लॉग को इसी टाइम पे एंड करते हैं. आई होप आप लोगों को ड्रोन शॉट्स जो मैंने सुबह लिए हैं वो अच्छे लगे हों. ये वाला व्लॉग थोड़ा सा लंबा है बट प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, बिकॉज इसी में हमने सब कुछ कंपाइल करके जो जो डाल सकते थे आपके लिए डाला है. द ट्रिप वॉज मोर अबाउट हैविंग फन, बर्थडे सेलिब्रेशन. सो यस, इस ट्रिप में आपने वही सब देखा होगा. हमने जगह कोई एक्सप्लोर नहीं करी ज़्यादा कुछ, हम सिर्फ रिलैक्स करते रहे और कुछ नहीं करते रहे. सो दिस इज इट, टाइम टू से बाय टू माय फ्रेंड्स. बाय बाय, टेक केयर, वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, दिस बाय बाय.
The bastard guy. Father of Thomas. You bastard guy. Aicha Gawat guy. So guys, this is it. मिलते हैं जल्दी किसी एक और ट्रिप पर, एक और नई रोड जर्नी पर. जल्दी से मिलेंगे, ये वादा रहा. फिलहाल के लिए करता हूँ एंड. आई होप आप लोगों का ये व्लॉग पसंद आया हो तो गिव इट अ थम्स अप. टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग. गॉड ब्लेस. जय श्री राम एंड जय हिंद.